हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केबल टीवी और साथ ही डीडी फ्री डिश के बारे में। आप सभी को पता ही है कि जब से डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे पे चैनल दिखाया जाना शुरू हुआ था, तब से प्राइवेट डीटीएच और केबल टीवी के प्लेटफॉर्म्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि डीडी फ्री डिश के सब्सक्राइबर लगातार इंक्रीज होते जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर स्टार के, कलर्स के, सोनी के, जी के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल्स दिखाए जाते थे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक स्टार उत्सव, जी अनमोल, कलश रिश्ते, सोनी पल जैसे चैनल्स डी टी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर दिखाने की वजह से जी सी कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था डी टी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर, जिस वजह से बहुत सारे सब्सक्राइबर बेस डी टी फ्री डिश की तरफ शिफ्ट हो गए थे, बिकॉज वहाँ पर उन्हें फ्री में कंटेंट देखने को मिलता था। सेम उन्हीं चैनलों को प्राइवेट डीटीएच केबल टीवी के प्लेटफॉर्म पे आपको पैसा देना होता था, लेकिन अब राहत की सांस प्राइवेट डीटीएच केबल टीवी ऑपरेटरों और एमएसओ के लिए है कि अभी तक स्टार उत्सव, जी अनमोल, कलश रिश्ते और सोनी पल चैनल ने ई ऑक्शन की प्रक्रिया से बायकॉट रखा है अपने आप को, यानी कि ई ऑक्शन की प्रक्रिया में अपने चैनल को सबमिट नहीं करा था। जो बहुत लोग, मैंने पहले ही वीडियो बना के आप लोगों को बता ही दिया था, लेकिन कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अभी जो 59 ई ऑक्शन होने जा रहा है 22 मार्च को, तो क्या 22 मार्च को डी डी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे वो चैनल सेलेक्ट हो सकते हैं कि आ सकता है क्या, उसके बारे में बताओ। तो मैं आपको बता दूं कि 22 मार्च को जो ई ऑक्शन होने वाला है डी डी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे, उस दिन जो भी चैनल सेलेक्ट होंगे वो प्रो रेटा बेसिस पे 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक देखने को डी डी फ्री डिश के ग्राहकों को मिलने वाला है। अभी तक जो चैनल सेलेक्ट नहीं हुए हैं ई ऑक्शन की प्रक्रिया में, वही चैनल 59 ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे फिर से। अगर वो उतना बिडिंग दे पाते हैं तो उनका चैनल सेलेक्ट हो जाएगा। अब रही बात स्टार, कलर, सोनी और जी के चैनल सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, अगर मैं आपको बता दूं कि ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट चैनल हैं, और इन चैनलों को अगर डी डी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्टर को चलाना होता तो बहुत पहले ही, यानी कि फर्स्ट ई ऑक्शन में ही ये चैनल स्लॉट जीत गए होते और डी डी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल भी हो जाता। लेकिन यहाँ पे हाईली चांसेस है और एक सस्पेंस भी बरकरार है कि अगर 22 मार्च के ई ऑक्शन में डी डी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे या ई ऑक्शन के प्रक्रिया में स्टार उत्सव, जी अनमोल, कलश रिश्ते, सोनी पल जैसे चैनल अगर पार्टिसिपेट नहीं करता है, तभी आप गारंटेड कह सकते हैं कि आपके केबल टीवी और डीटीएच के लिए सही है। अदरवाइज़ अगर चैनल फिर से पार्टिसिपेट करता है तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। यहाँ पर एनटीओ 2.0 पोस्टपोन्ड है, काफ़ी सालों से चेज कर रहे हैं, 2 साल से भी ज़्यादा हो चुका है वक्त, और सबसे ज़्यादा जो जितने भी केबल ऑपरेटर फेडरेशन है, AIDCF है, एल्कोई है, बहुत सारे संस्था है जो डी डी फ्री डिश के पे दिखाए जाने वाले पे चैनलों को लेकर ट्राई को, MIB को, ब्रॉडकास्टरों को सुप्रीम कोर्ट तक गए थे कि वहाँ पे जो चैनल फ्री में दिखाए जा रहे हैं उन चैनलों को भी प्राइवेट डीटीएच केबल टीवी के प्लेटफॉर्म पे या तो फ्री में दिखाया जाए या तो डी डी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म से पे चैनल को निकाल दिया जाए, ताकि बिजनेस को नुकसान ज़्यादा ना हो सके। तो आपको 22 मार्च को फाइनली अपडेट मिल जाएगा कि आपके स्टार उत्सव, जी अनमोल, कलर्स रिश्ते, सोनी पल जैसे चैनल डी डी फ्री डिश का पार्ट नहीं रहेंगे या रहेंगे, हाईली चांसेस है नहीं रहने का ही। होप सो गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरीके का अपडेट्स पाने के लिए दोस्तों आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स लॉट। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।